हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने झारखंड से लाई गई युवती का सौदा कर रहे 7 ऐसे सौदागरों को गिरफ्तार किया है जो ऐसे ही बेबस लड़कियों को दूर दराज से लाकर अलग अलग शहरों में बेच दिया करते थे। जबकि पुलिस दलालों के चंगुल से मुक्त कराई गई किशोरी का भी मेडिकल करा रही है। दरअसल इन दलालों द्वारा बुलंदशहर में झारखंड से लाई गई 16 साल की नाबालिग को 35 साल के अधेड़ से शादी कराने के नाम पर सौदागिरी कराई जा रही थी। इस तस्वीर में काली जैकेट पहने दिख रहे शख्स का नाम जितेंद्र है। 35 साल के जितेंद्र पर आरोप है कि वो 75,000 में नाबालिग किशोरी का सौदा कर रहा था। ये झारखंड राज्य के रांची जनपद की एक किशोरी है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। उसी के इलाके की एक महिला उसको वहाँ से ले आई, संभवतः खरीद फरोख्त करके लाई होगी, और उसे यहाँ खुर्जा नगर क्षेत्र में वो बेचना चाहती थी। उसको खरीदने वाले लोग एक मकान पे इकट्ठे थे, जहाँ पे स्थानीय पुलिस को जानकारी हुई तो इन सारे पूरे रैकेट को जो है गिरफ्तार किया गया। 2 महिलाओं सहित कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और गंभीर धारा में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की। नहीं, अभी उस धनराशि का खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि वो बात चल रही थी, और यद्यपि बिक्री का जो काम था ये शादी के पर्पज़ से था, और संभवतः ये महिला इसी तरह से झारखंड राज्य से लड़कियों को ला के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचती रही। तो उस संबंध में हम और गहराई से छानबीन करा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें निकल के आई हैं वो यही है कि जो किशोरी लाई गई है उसकी माँ की मौत हो गई थी। सौतेली माँ ने एक महिला को उसको बेच दिया और वो महिला उसे लेकर के यहाँ आई थी। पुलिस अधिकारियों के माने तो झारखंड के पंडरा इलाके से एक बिन माँ की मजबूर और बेबस बेटी को झारखंड से एक महिला द्वारा बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में लाया गया, और इसके बाद किशोरी की शादी जितेंद्र से कराने के नाम पर उसका सौदा 75,000 में कर दिया गया। मामले की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने छापा मारकर किशोरी के सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को उनके चंगुल से मुक्त कराते हुए पीड़िता को जिला महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। जबकि पुलिस ने नाबालिग का सौदा करने वाले 7 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये 2 बहनें हैं जो पकड़ी गई हैं, उनमें से एक नाबालिग है, और हमारी संस्था क्योंकि नाबालिग बच्चों के लिए काम करती है इसलिए नाबालिग बच्ची जो कविता है जिसका नाम, वो हमारे यहाँ पेश की गई। जी, तो ये 2 बच्चियों का सौदा हुआ था अहमदगढ़? हाँ जी, 2 बच्चों का सौदा। क्या पूरा मामला है मैम, किस तरीके से पूरी बात हुई थी, पूरी विस्तार से? यहाँ एक बड़ा रैकेट इन दिनों काम कर रहा है, और वो वहाँ से ला करके झारखंड बिहार ये कई जगह से, इस तरीके से जो बहुत गरीब प्रदेश है वहाँ से ला करके इन बच्चों की यहाँ ला करके उन्हें बेच दिया जाता है, शादी उनकी कर दी जाती है पैसे लेकर। मौसी बोली थी कि चलो वहाँ नया साल मनाएंगे, तो हम बोले कि ठीक है, वहाँ अच्छा लड़का मिलेगा तो हम शादी कर लेंगे। तो फिर कहाँ आपको लाया गया, किसमें भी आप? मौसी के घर आए थे, मौसी के जिसके साथ में आए हैं उनकी बहन के घर। आपको कितने रुपए में बेकार है? उतना तो हमें नहीं पता। पैसे दिए थे कुछ आपको? नहीं। आपके परिवार को? नहीं, अभी तो नहीं दिए। देने थे? हाँ। कितने पैसे? कितना पैसा देना था ये हमें नहीं पता, बस बोले थे कि पैसा दे दीजिएगा, माँ के लिए भिजवा देंगे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।